मैं हूँ भाभो की फेवरेट बहू एमिली, लेकिन आज मैं बन गई हूँ रियल लाइफ बहुरानी। बोले चूड़िया, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। बोले चूड़िया, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। तेरे बिन जिया नहीं लगदा, मैं ते मर गईया। क्योंकि हो गई है मेरी कपिल जी के साथ शादी। मैंने पहन ली है अपने पिया के नाम की चुनरिया, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, भारी भरकम श्रृंगार, बड़े बड़े हार, पैरों में बिछिया, यानी मैं बन गई हूँ रियल लाइफ सुहागन। सास बहु बेटियां आज आपको मिला रहा है नई नवेली दुल्हनिया पूजा सिंह से। जी हाँ, सीरियल दिया और बाती हम की एमिली ने रियल लाइफ में कर ली कनाडा बेस्ड कपिल के साथ शादी। भाई ये मौका था चट मम्मी पर ब्याह का, लेकिन सास बहु और बेटियां पहुंच गया सीधा पूजा के घर देने उन्हें बधाई। ये है पूजा तो बताइए ये कैसे हुआ, अचानक जाके शादी कराई, सोशल मीडिया पे इनके पिक्चर्स अपलोड हो गए और उसके बाद तब दुनिया को पता चला कि इन्होंने शादी की है। और हाँ, इनके पतिदेव की पिक्चर नहीं है उसमें। ये सवाल तो आप लोग मुझसे पूछो ही मत, बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ आप अपने हस्बैंड के पिक्चर्स अपलोड कीजिए प्लीज़। बट आई लाइक ओके, थोड़ा सा सीक्रेटिव रखती हूँ, अपलोड करूँगी, जल्द ही करूँगी, बट थोड़ा सा पेशेंस, तब तक आप लोग मेरी पिक्चर्स एंजॉय कीजिए। आपके पतिदेव कहाँ हैं बताइए? इमली जी के पति अरे इमली जी के पति तो विदेश उड़ गए, का कहें हम। अब आपको तो पता ही है ना कि वो तो कनाडा में रहते हैं, तो वो बस शादी किए फटाफट और हमें यहाँ पे बॉम्बे में पटक दिए और वापस से उड़ गए वो। भाई पूजा ने तो अपने पति को सबसे छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन इनकी शादी हुई बड़ी ही जोरदार, सारी रस्में बड़े ही पारंपरिक अंदाज में हुई और अपनी शादी का सारा श्रृंगार और साधु सज्जा आज पूजा सास बहू और बेटिया के साथ शेयर कर रही है। जो भी सारी चीजें मैं चाहूंगी, जो मेरी फ्रेंड है, जो मेरी सबसे प्यारी दोस्त है सुदेशना, ये आपको सारा कपड़ों का दिखाने का, कौन कौन सा रस्म में क्या क्या पहना है, ये सारी चीजें इनकी जिम्मेदारी में थी, तो यही आपको बताएंगे। हमारी प्यारी सी दुल्हन। सो ये सबसे, अभी मैंने फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज किया था, ये सबसे पहला फंक्शन था, मेरी मम्मी ने रखा था, माता की चौकी रखी थी घर पे, जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और उसमें ये चुनरी मेरे सर पर सब लोगों के हाथों में थी, चारों तरफ से उसमें फूल बरस रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आशीर्वाद मिल रहे थे और ये चुन्नी मेरी उड़ाई गई थी। तो ये चुन्नी मेरे सबसे स्पेशल है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं घर पर रख के आ गई हूँ, बट ये माता की चौकी की चुन्नी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि शादी के लिए सबसे पहला आशीर्वाद माता रानी की तरफ से था, तो इस चुन्नी को मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। सो सबसे पहला ये था, आई होप आई एम लुकिंग गुड। ये जब मेरी शादी हो गई थी, ये मुझे सिल्क साड़ी पहनने का हमेशा से शौक था, और इसे हमेशा था कि ये मेरी जो फ्रेंड है वो मुझे हमेशा सिल्क साड़ी में देखना चाहती थी। तो जैसी मेरी शादी हो गई थी, तो शादी के सबसे पहले दिन ससुराल में रस्में होती है, उन रस्मों में मैंने अपने घर की रस्मों में जो अंगूठी छुपाते हैं दूध में और ढूंढना होता है, वो सब में मैंने ये बहुत ही प्यारी सी सिल्क साड़ियाँ पहनी है, तो जो कि जल्द मैं आज तक के साथ जल्द ही सारे पिक्चर्स मैं शेयर करूँगी, एंड आई होप कि मेरे सारे व्यूअर्स को, आज तक के सारे व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आएंगे। सिंदूर लगने के बाद सीरियल में बहुत बार शादी हुई, डिवोर्सेस हुए, पति भाग गए, बहुत सारी चीज़ें, बच्चे हो गए, बट सीरियसली मैं जब रियल में शादी होती है एक अलग ही फीलिंग आती है, थोड़े से चूड़ा थोड़ा कम हो गया बट ओके। ये मेरा शादी का चूड़ा था जो मेरी मम्मा ने सेलेक्ट किया था,
बट ये थोड़े यहाँ यहाँ तक है, बट मैंने थोड़ी सी, मम्मा ने बोला था पहने रहना, बट थोड़ी सी मैंने उसमें कटौती कर दी है, मैंने यहाँ का चूड़ा मैंने यहाँ तक कर दिया है कम्फर्ट लेवल को देखते हुए। ये हमारी मांग में सिंदूर, एक्चुअली राजपूतों में ये ट्रेडिशन होता है, हम लोग नाक से सिंदूर लगाते हैं। सो अब तो नाक का नहीं बट यहाँ से सिंदूर अभी लग रहा है वो। ये मेरी लाल लाल बिंदी, जो अब शादी के बाद आई गेस रेड पहनने का मुझे ज़्यादा मौका मिल गया है, सो आई एम एंजॉइंग दैट थिंग। ये मेरी रेड लिपस्टिक और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पतिदेव जो इसमें कैद है मेरा मंगलसूत्र है, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया है एंड मुझे बहुत पसंद है। मैं इनफैक्ट रोज़ ये मंगलसूत्र को देखती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ, इसको देखती हूँ, अपने हस्बैंड को देखती हूँ। आई डोंट नो व्हाई मैं क्यों करती हूँ, बट फीलिंग ही कुछ अलग होती है शादी, रियल लाइफ में शादी होने की। सो आई एम जस्ट आई थिंक कि शायद मैं उस मोमेंट में हूँ अभी। भाई उन्होंने कौन कौन से कपड़े पहने और कैसे बन गई हैं वो ब्याहता, एक एक करके ही श्रृंगार हम आपको दिखाएंगे। ये जो नेकलेस है मेरा सबसे फेवरेट नेकलेस है और काफ़ी बहुत ज़्यादा हमने खोजा था ये नेकलेस, क्योंकि मुझे मेरे रिसेप्शन में पहनना था एंड फाइनली आई गॉट दिस वन बिकॉज ये जो आप देख रहे हो इस कलर का मेरा लहंगा था, विच ऑफकोर्स सून आई विल शेयर माई पिक्चर्स विद एवरी वन। सो ये बहुत ही प्रिटी ज्वेलरी थी एंड आई जस्ट लव दिस वन। सो मैं घर से ये ज्वेलरी तो स्पेशली लेके आई हूँ कि मम्मा मैं ये लेके जाऊँगी बॉम्बे। और ये इयर रिंग जो है ये भी काफ़ी डिफरेंट है। ये बहुत ही प्यारी इयर रिंग है, ये इयर रिंग मैंने अपने हल्दी की सेरेमनी में पहनी थी, हल्दी और मेहंदी, येस बिकॉज मेरी हल्दी मेहंदी सेम डे में था, सो मैंने कॉस्ट्यूम चेंज किया था बट मैंने इयर रिंग सेम रखी थी। और एक मेरी एक और बहुत ही खास इयर रिंग है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है ये वाली। ये इयर रिंग मैंने माता की चौकी में पहनी थी जब मेरी मम्मा ने, वो मेरे सरप्राइज़ था, वो सरप्राइज़ रखा था। सो दिस इज़ वेरी प्रिटी, तो कभी मैं इसको यहाँ लगाती हूँ, कभी मैं इसको यहाँ लगाती हूँ, जैसे हम लड़कियों का बहुत शौक होता है। सो आई रियली लव दिस इयर रिंग्स। येस डेफिनेटली मैंने ये वाली पायल मैंने अपनी शादी के दिन पहना था, हमारे इसमें चांदी की ही पहनते हैं और लेकिन ये एक्चुअली मैच कर रहा था, तो आजकल थोड़ा मैचिंग वाला सिस्टम थोड़ा ज़्यादा चलता है। सो आई वोर दिस वन, मैंने ये पहना था लेकिन उस दिन के बाद से फिर मैंने चांदी की पायल पहनी थी और बस आज ही वो पायल खुली है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बॉम्बे में छन 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 हो रहा था, तो मेरे दोस्त लोग कह रहे थे बहुत तुम छन छन आ रही हो, थोड़ा सा पायल तुम खोलो, बहुत छन छन आवाज़ आ रही है। सो आई वाज लाइक ओके मैं पायल खोल देती हूँ, तब मैंने पायल खोला है और मैंने अपनी सारी ज्वेलरी अपने बॉक्सेस में जाके भर के रखी है अभी। भाई पूजा की शादी हुई उनके होम टाउन जमशेदपुर में, जहाँ पर उनके फ्रेंड्स और फैमिली मौजूद थे। हस्बैंड हमेशा बैकबोन रहे, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मुझे इंडस्ट्री में आना था, मैं पढ़ाई करती थी पुणे में, तो वो मुझे ऑडिशन देने के लिए लेके आते थे। सो मेरा पहला ऑडिशन भी मैं उन्हीं के साथ आई थी यहाँ पे। सो डेफिनेटली वो खुद चाहते हैं कि मैं करियर को ऐसे छोड़ूं नहीं, और उन्हें बॉम्बे बहुत पसंद है। सो मैं जाऊँगी थोड़े टाइम के लिए, अगर गई भी तो एक वेकेशन का रहेगा, बट कम बैक भी क्या, मैंने छोड़ा ही नहीं है इंडस्ट्री, जैसे मेरे हाथ में कोई भी नया प्रोजेक्ट है सो आई जस्ट बैंग ऑन, सो आई एम देयर। बचपन से देखते आए थे फिल्मी, हल्दी, संगीत, मेहंदी, उसी तरह से मेरी शादी हुई और अभी तक मैं नहीं बिलीव कर पा रही हूँ, मेरे मम्मी पापा बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स नहीं बिलीव कर पा रहे, तो माई गॉड इट वॉज लाइक दैट। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ऑफकोर्स मैंने हल्दी के अलावा अभी तक कोई भी पिक्चर्स अपलोड नहीं किए क्योंकि मुझे खुद भी टाइम नहीं मिल रहा है, मैं दिन रात अभी बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स में बिजी हूँ। दिया बाती कि जो पहली वेडिंग अगर वो नहीं होती तो शायद मैं आप सबके बीच नहीं होती, आज तक मेरे पास नहीं होता। सो ऑफकोर्स एमली एंड शशि सुमित इज ऑफकोर्स आई लव देम। सो दिया बाती में तो एमली की कई बार शादी हुई लेकिन रियल लाइफ शादी करना काफी अलग था। तो क्या पूजा शादी के बाद अपने पति कपिल के साथ चली जाएगी कनाडा या फिर मुंबई में आके सीरियल में काम करेंगी? सारे दोस्त लोग की शोज चल रहे हैं एंड थोड़ी सी ज़्यादा सोशलाइजिंग उतना ज़्यादा करती नहीं, बट जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो भाभो हो गई, कनिका जी हो गई, अपने बाबा साहब, वरुण, करण सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिजी है, अदरवाइज वो डेफिनेटली आते हैं, बट इनके साथ सबको मैंने प्रॉमिस किया है कि यहाँ पे आके गेट टुगेदर रखूँगी और सबके साथ वापस से खूब धमाल को एंजॉय करूँगी एंड ऑफकोर्स अपने हस्बैंड को भी लेके जाऊँगी वहाँ पे। भाई जो भी हो, शादी के सारे रंग के साथ डांस का रंग, हल्दी का रंग, मेहंदी का रंग और जयमाला का रंग देखने लायक था और पूजा ने अभी भी यादें सजोई हुई है। तो सास वो बेटिया की तरफ से पूजा सिंह को उनकी रियल लाइफ शादी के लिए ऑल द बेस्ट और जल्द ही हमें इनके पिया से भी मिलना पड़ेगा। मुंबई से निपो बराए के साथ आज तक ब्यूरो।
Yes, sir.